वंदे मातरम टू ऑल। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया एंड एक्सरसाइज 9.2 अप टू 1 to 13 सम्स हमने किए। नाउ देयर इज अनदर डिफरेंट थिंग इज हियर, एरिथमेटिक मीन, जिसको हम बोल सकते हैं एएम। ओके, मॉर्निंग वाला एएम नहीं, दिस इज योर एरिथमेटिक मीन, दिस इज योर एरिथमेटिक मीन। सो व्हाट इज एरिथमेटिक मीन? सपोज मेरी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सिर्फ मेरे पास दो टर्म्स है अभी, ए एंड बी। इफ आई हैव टू टर्म्स ए एंड बी, तो वहां तो जी एपी नहीं बनेगी। इफ ए एंड बी आर टू टर्म्स, कोई भी नंबर्स है, टर्म्स है, कुछ भी है, राइट, तो वहां पे तो कोई एपी नहीं बनेगी। एपी बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स तो चाहिए। सो अगर इफ आई एम इंसर्टिंग, इफ ए एंड बी आर टू टर्म्स एंड इंसर्ट नंबर ए और टर्म ए सच दैट ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी कन्वर्ट इंटू ए पी, देन ए इज कॉल्ड एरिथमेटिक मीन। मतलब कि मेरे पास बिगनिंग है, मेरे पास एंडिंग लाइन है, लेकिन अगर मैं कोई नंबर ए ऐसा इंसर्ट कर दूं जिससे ए कैपिटल ए एंड बी तीनों ए पी में हो जाए, ए पी के टर्म्स हो जाए, देन ए इज कॉल्ड एरिथमेटिक मीन। मैम कुछ समझ में नहीं आया, सो डोंट वरी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए व्हाट इज बी रिक्वायर्ड? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना, डिफरेंस डी कॉमन होना चाहिए। याद है कंडीशन, इफ ए बी सी आर 3 टर्म्स ऑफ जे ए पी देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो वही सिचुएशन मैंने फिर से लिखी है यहाँ पे। यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी है आपकी? ए। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये ए साइड चेंज करके आएगा ऑन दिस साइड और दिस ए विल ट्रैवल ऑन द नेक्स्ट साइड, सो ए इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू, और यू कैन से ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। इसको हम यूजुअली स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में या फिर मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मीन, है ना, मीन टू टर्म्स का एडिशन अपॉन टू, दैट इज अवर मीन। सो दैट्स वाई इट इज योर एरिथमेटिक मीन। ओके, दैट्स वाई इट इज योर एरिथमेटिक मीन। अब एक टर्म हमने रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही टर्म ऐड किया, इंसर्ट किया, राइट। इफ आई एम एडिंग एन टर्म्स, इफ बिटवीन ए स्मॉल ए एंड बी इफ वी एड ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, मतलब एन टर्म्स, कितनी टर्म्स एंड की ऐड की मैंने, एन टर्म्स, देन एन टर्म्स ऐड की एंड इट बिकम्स योर ए पी। If between A and B, if we added A1, A2 up to AN, N terms, and A, A1, A2 up to AN and B convert in AP, वो भी तो होना चाहिए ना, AP में convert भी तो होना चाहिए ना, convert in AP, converted in AP, then A1, A2 अप टू ए एन आर कॉल्ड एरिथमेटिक मीन्स। ओके, सो मतलब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही एरिथमेटिक मीन है, वी हैव मोर देन वन एरिथमेटिक मीन। अब सिचुएशन ये है कि मुझे अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड बॉर्डर लाइन दे दिया है, दोनों बॉर्डर लाइन दे दिया है एंड बोला है कि 10 एरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, फाइंड आउट।
ठीक है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए होगा, मेरे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट तो होना ही चाहिए, बाउंड्री तो होनी चाहिए, तभी मीन मिलेंगे. ओके, दैट इज कन्फर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट बी, डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, दिस इज माई बाउंड्री बी. ठीक है, उनके बीच में मुझे 10 या 5 या 3, सपोज चलो यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ, सो 3 अरिथमेटिक मीन चाहिए. सो ये डिस्टेंस मस्ट बी सेम, ये जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा. कैसे मिलेगा? पहले मीन कितने ऐड किए मैंने, मीन ऐड किए मैंने 3, है ना, वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंडिंग पॉइंट. तो जो डी डिसाइड करेगा ना, दैट इज योर बी माइनस ए. कैसे मिलेगा? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन. डी कितनी बार आया देखो, पॉइंट कितने मैंने ऐड किए, 1 2 3. डी कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, दैट्स वाई एन प्लस वन. एन थे कितने मेरे, 1 2 3, A1, A2 अप टू AN लिखा ना, तो N थे मेरे 1, 2 and 3, N 3 था, लेकिन D मैंने कितनी बार लिखा, 4 टाइम्स. ठीक है, क्या करना है, ये जो आपकी नंबर लाइन है ना उसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, दैट्स इट. 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जो बिगर नंबर है माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइड बाय कितने पार्ट्स हो रहे हैं, दैट्स इट. आया कॉन्सेप्ट समझ में? कैसे आया? D इक्वल टू बिगर पॉइंट माइनस स्मॉलर पॉइंट अपॉन जितने पार्ट्स हो रहे हैं. अगर मैं 3 पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ तो 4 पार्ट्स होंगे, सो दैट्स वाई एन प्लस वन. तो ये मिला मुझे D. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आप लोग डेफिनेटली मिस्टेक करोगे, हमें An का या फिर Tn का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये फॉर्मूला कि यहाँ पे n माइनस वन क्यों आता है, क्योंकि हमारी टर्म स्टार्ट होती है फ्रॉम a, a मतलब a प्लस जीरो डी से स्टार्ट होता है. एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, डोंट मिस्टेक. ओके, फर्स्ट टर्म हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, ए प्लस जीरो डी से, फिर ए प्लस डी से. मतलब फर्स्ट टर्म में जीरो है, फर्स्ट में जीरो मतलब वन माइनस वन, सेकेंड में डी है मतलब टू माइनस वन, दैट्स वाई वी राइट हियर एन माइनस वन. लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ ए वन की, तो ए वन को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे बोलिए, ए में डी ऐड हुआ, समझ में आ रहा है? देखिए एकदम ध्यान से, ए में डी ऐड हुआ. टू में क्या हो रहा है, देखिए ए वन है तो यहाँ पे भी वन ही है, ए टू है तो यहाँ पे भी वी हैव ए प्लस टू डी, ए थ्री है सो यहाँ पे वी हैव ए प्लस थ्री डी. चलिए बताइए कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला फॉर ए के, शुड आई हैव टू राइट के माइनस वन या फिर के डी आएगा? देखिए यहाँ पे ए प्लस के डी क्या होगा, ए प्लस के डी, जहाँ पे डी मतलब बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन. देखिए ये एरिथमेटिक मीन है, सो आई कैन एक्सप्रेस इट ऑन नंबर लाइन. यही चीज जब मैं ज्योमेट्रिक मीन में दिखाऊंगी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट ऑन नंबर लाइन, तो वहां पे हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा, हमें लर्न ही करना पड़ेगा कि यही है और यही लेना है. ओके, यहाँ पे वी कैन ड्रॉ इट ऑन नंबर लाइन, इसलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया वाई डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि हमारे पास थ्री है, लेकिन थ्री पॉइंट रखोगे तो पार्ट कितने होंगे, फोर, मतलब एन प्लस वन. एंड यहाँ पे क्या सिचुएशन है, वन है तो यहाँ पे भी ए प्लस डी, फिर ये सेकेंड पॉइंट पे आई तो मैंने कितनी बार ए में डी ऐड किया, वन एंड टू, टू टाइम्स, सो दैट्स वाई ए प्लस टू डी. यहाँ पे आई तो मैंने डी कितनी बार ऐड किया, 1 2 3, थ्री टाइम्स, सो आई कैन राइट ए प्लस थ्री डी. और सपोज आप लोग ए प्लस फोर डी करोगे ना, यू विल हैव बी, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब सम करेंगे ना तब.
ओके सो गॉट द कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है देखिए. थिंग्स यू रिक्वायर्ड आई हैव ऑलरेडी रिटन. इंसर्ट फाइव नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 14 इंसर्ट फाइव नंबर्स. कितने नंबर्स करने हैं? फाइव. मतलब n इक्वल टू फाइव गिवन है आपको बिटवीन 8 एंड 26. सो a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 26. ओके गाइस करना और कुछ नहीं है, सिर्फ पहले d फाइंड कर लो फिर उसमें d ऐड करते जाना. लाइक 8 सपोज d आपका 2 आया तो 8 में 2 ऐड करो, फिर 10 आया तो 10 में 2 ऐड करो, दैट्स इट. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड d. b माइनस a अपॉन n प्लस 1 दैट इज 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 6. 26 माइनस 8 18. 18 बाय 6 मतलब d आ गया आपका 3. सो जैसे मैंने बताया क्या करना है a1. सो a प्लस d. देखिए a प्लस k d k मतलब 1 ठीक है. तो a प्लस d 8 प्लस 3 11. a2 इसमें आप 11 में आप 3 ऐड कर लो तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसे लिख लो a प्लस 2d तो भी चलेगा. 8 प्लस 6 दैट इज 14. a3 a प्लस 3d मतलब 8 प्लस 9 दैट इज 17. a4 a प्लस 4d दैट इज 8 प्लस 12 दैट इज 20. एंड a5 प्लस 5d यस कितना होगा 8 प्लस 15 दैट इज 23. एंड सपोज इफ यू आर बाई मिस्टेक यू आर डूइंग a6 तो a प्लस 6d कितना होगा 8 प्लस 18 दैट इज योर b कितना हो जाएगा 26. ये आपका b हो जाएगा इफ यू डू दैट बाई मिस्टेक. ओके सो अगर बाई मिस्टेक कर लिया है नो प्रॉब्लम दैट इज योर b. बस यही था. ओके इतना ही था. अब जो मेन चीज है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15. सेम सम जीपी में भी आएगा. इफ a रेस टू n प्लस b रेस टू n अपॉन a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1 इज द am. मतलब ये आपको a गिवन है बिटवीन a एंड b. ओके तो a क्या होता है? a a b is in AP. Then मैं क्या लिख सकती हूँ? a equal to a plus b by 2. तो ये दोनों हम यूज करेंगे 1 and 2. Using 1 and 2 मतलब मैं कंपेयर कर सकती हूँ a raise to n plus b raise to n upon a raise to n minus 1 plus b raise to n minus 1 is equal to a plus b by 2. जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n. मतलब ये जो n पावर है ना दैट वी हैव टू फाइंड. ओके दैट्स इट. अगर किसी को ऐसे ही समझ में आ गया है, अगर MCQ है, अगर VSQ है तो डायरेक्टली कंपेयर करो n इक्वल टू 1. देखिए a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 सॉरी n इक्वल टू 1 सो a रेस टू 1 प्लस b रेस टू 1. यहाँ पे क्या होगा? a रेस टू 0 प्लस b रेस टू 0. a रेस टू 0 1 b रेस टू 0 1 सो 1 प्लस 1 2. लेकिन अगर 2 या 3 मार्क्स में है सो वी हैव टू डू प्रॉपरली बाय मेथड. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 रेस टू n 2 इंटू b रेस टू n. यहाँ पे देखिए a इंटू a रेस टू n माइनस 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा a रेस टू n प्लस a इंटू b रेस टू n माइनस 1 प्लस b इंटू a रेस टू n माइनस 1 प्लस b की n माइनस 1 पावर प्लस b की 1 पावर मतलब b रेस टू n सॉरी मल्टीप्लीकेशन प्लस नहीं b रेस टू n माइनस 1 इंटू b. यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 पावर सो b रेस टू n. ओके देखिए ये वाली टर्म सेम है, यहाँ पे भी है सो जस्ट चेंज द साइड. सो हमारे पास क्या हो जाएगा a रेस टू n प्लस b रेस टू n एंड हियर वी लेफ्ट विद a b
बी रेस्ट टू एन माइनस वन, बी ए रेस्ट टू एन माइनस वन। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और यहाँ पे बी रेस्ट टू एन को मैं सामने लेके जा रही हूँ। ओके, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, ए रेस्ट टू एन माइनस वन पावर जो है ना उसको मैं यहाँ पे लाऊंगी, है ना, एंड बी रेस टू एन माइनस वन वाली टर्म साथ में। सो ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी रेस टू एन माइनस वन माइनस बी रेस टू एन। देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉमन निकल सकता है दैट इज योर ए रेस टू एन माइनस वन, वॉट इज लेफ्ट हियर ए माइनस बी। सपोज फोर पावर है, यहाँ पे फाइव पावर है तो फोर पावर कॉमन निकाल दी, सो ए लेफ्ट, एंड यहाँ पे तो फोर पावर निकल ही गई है सो माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी बी माइनस एन बी रेस टू एन माइनस वन कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट ए माइनस बी। अब जब मैं बात कर रही हूँ ए एंड बी आर टर्म्स ऑफ ए बी, तो मतलब ए एंड बी आर नॉट इक्वल। अगर ये दोनों ही सेम है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है टू फाइंड एरिथमेटिक मीन, है ना। मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट टू डिफरेंट टर्म्स चाहिए, टू डिफरेंट नंबर्स चाहिए, अदरवाइज तो एपी ही नहीं बनेगा, एपी नहीं बनेगा सो एरिथमेटिक मीन पॉसिबल ही नहीं है। सो मतलब ए माइनस बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो मैं कट कर सकती हूँ ऑन बोथ साइड, ए रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू बी रेस टू एन माइनस वन, साइड चेंज कर दो, मैं लिख सकती हूँ ए बाई बी रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग लेफ्ट, सो जीरो नहीं, नथिंग लेफ्ट। यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में था, मैंने डिविजन में लिया, सो दैर इज वन। अब वन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बाई बी रेस टू जीरो, वन यानी क्या, कोई भी नंबर की जीरो पावर, यस वन मीन्स एनी नंबर्स पावर जीरो। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन। बोलिए, सिर्फ नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, पावर रूल अप्लाई किया एन ए रेस टू जीरो दैट इज वन, वो रूल अप्लाई किया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन 1 एंड 31, मतलब आपको ए गिवन है 1, बी गिवन है 31, एम नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। कितने नंबर्स इंसर्टेड है, एम, मतलब एन इक्वल टू आपका एम हो गया। गाइज ये सम्स जब आप लोग लिख रहे हो ना तो यू हैव टू मस्ट राइट योर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड डी, d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, वो क्या हो जाएगा 31 माइनस वन अपॉन एन के बदले आई कैन इंसर्ट m, सो 30 अपॉन m प्लस वन, दैट इज माई डी, डन। ओके, अब आगे क्या करना है, रीड द क्वेश्चन। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP, and ratio of the 7th and m minus 1 number is, ये किसका number है, ratio of, बोलिए, A7, यहाँ पे एरिथमेटिक मीन की बात की है, सो रेशियो ऑफ 7 टर्म मतलब ए 7 एंड ए माइनस 1 टर्म, माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना है बेटा, 9 है ना, 5/9, यस 5/9। बोलिए, ए सेवन मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस 7d, एंड ए एम माइनस वन मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। नाउ वी हैव ए ऑल्सो एंड डी ऑल्सो, तो पुट द वैल्यू ए इक्वल टू 1 प्लस 7, डी मीन्स 30 अपॉन एम प्लस 1, एंड अगेन 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू 30 अपॉन एम प्लस 1,
इज इक्वल टू 5/9। चलिए एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले, सो टेक एलसीएम एम प्लस वन प्लस 210, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम सेम है सो यू कैन कट इट डायरेक्टली। यहाँ पे भी वी हैव एम प्लस वन प्लस, यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी, सो 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। ओके चलिए थोड़ा सा स्पेस रखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। एम प्लस 211 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा वी हैव 30m माइनस 29। नाउ फटाफट से यू हैव टू टेल मी द मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस, बोलिए 211, 9918, यस। एंड यहाँ पे 31,000, सो 5155 माइनस 29,000, 35,150, सो 145, यस। ये हो गया 145। अब एम फाइंड करना है, दैट्स इट। तो बस, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करूँगी, 155 माइनस 9 ये हो जाएगा एम, एंड 1899 प्लस 145 ये दोनों हो जाएंगे 146 एम, एंड हियर इट इज 4402. चलो चेक करो, इट इज डिविजिबल बाय 146, डेफिनेटली डिविजिबल बाय 146 होगा ही होगा, क्योंकि m टर्म है सो इट कांट बी रैशनल। बोलिए व्हाट इज योर आंसर। यस m इज इक्वल टू 14, वी गेट m इज इक्वल टू 14। चलिए यहाँ पे अभी मैंने स्पेस रखी है सो वी कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17 हियर। ये जो क्वेश्चन है वो आपने 10th में जो क्वेश्चंस किए थे उससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। ओके एग्जैक्टली मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए व्हाट इज गिवन टू अस, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 100, मतलब आपका ए कितना है 100। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 5 एवरी मंथ, वाह क्या इंक्रीजिंग है, 5 रुपीज़ पर मंथ। वैसे वो लोन भी काफ़ी सस्ता होगा जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट इंक्रीज कितना किया, 5 रुपीज़ एवरी मंथ। वॉट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें A30 फाइंड करना है, 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेंगे। A30 मतलब मेरे पास एन बी है, ए बी आई हैव एंड डी ऑल्सो आई हैव, सो आई हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला ओनली, A30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, 100 प्लस 29 इंटू डी, सो 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, 45, 145, सो योर टोटल आंसर इज 1, 245। टोटल वो कितने पे करेगा, 245। ओके अंडरस्टूड। बेटा लास्ट क्वेश्चन बाकी है 18, वो बाद में करते हैं, पहले ये लिख लो, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज गिवन टू अस, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज डिग्री 5, मतलब यहाँ पे डी डिफरेंस जो है वो 5 डिग्री का है। ओके डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि जैसे मैं ट्राइंगल ले लूँ एंड क्वाड्रिलेटर ले लूँ तो उनके बीच जो इंटीरियर एंगल्स है ना उनका डिफरेंस जो बढ़ेगा दैट इज 5 डिग्री। ओके इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 देन 5 द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, सॉरी मैं गलत कर लिया, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो इंटीरियर एंगल्स है ना, सपोज ट्राइंगल ही है तो अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं ट्राइंगल में, तो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स के बीच में डिफरेंस आपको 5 डिग्री गिवन है। सेकेंड थिंग,
द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120. मतलब अगर मैं स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव है डिफरेंस, सो मैं स्टार्ट करूं तो मेरी स्टार्टिंग टर्म क्या होगी? 120. सो सबसे पहले तो व्हाट इज द एडिशन, सम ऑफ ऑल एंगल्स. इफ वी हैव पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स और एन एंगल्स, then the sum of angle is equal to n minus 2 into 180. sum kitna hoga? n minus 2 into 180. okay, so ye formula aapko yaad rakhna padega. and a given hai mujhe, d given hai, ye mera sn hai, this is my sn. यहां से भी मुझे एक एसएन मिल सकता है फ्रॉम गिवन कंडीशन. फ्रॉम गिवन कंडीशन एसएन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू हियर एन बाय टू टू ए मतलब 240 हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी. डी कितना है? 5 डिग्री. सो यहाँ पे मैं 5 ही रख रही हूँ, डिग्री हम लास्ट में कर लेंगे. ओके, यहाँ पे भी 180 डिग्री आएगा. ओके, चलिए. सो कंपेयर बोथ ऑफ देम बिकॉज इट इज सेम पॉलीगॉन. यहाँ पे भी एसएन है, यहाँ पे भी एसएन है. सो आई हैव n बाई टू 240 प्लस 5n minus 5 is equal to n minus 2 180. ओके, इस दोनों को मैंने क्या कर लिया, जस्ट मैंने कंपेयर किया बोथ sn. ओके, 2 को मैं अगर सामने मल्टीप्लाई कर लूँ तो n 240 minus 5 दैट इज 235 प्लस 5n. अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे हो जाएगा n minus 2 into 360, या फिर आप ब्रैकेट ओपन कर लो तो भी चलेगा, 235n प्लस 5n स्क्वायर. यहाँ पे मैं और कोई मेथड से कंपेयर नहीं कर सकती, सो आई हैव टू गो थ्रू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली. 360n माइनस 270. ओके, ये पॉजिटिव है सो सारी टर्म्स को चेंज द साइड. 235 माइनस 360 125. यस, माइनस 125n. एंड ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 720 इक्वल टू जीरो. ऑल आर डिविजिबल बाय 5. यहाँ पे हो जाएगा 25n प्लस 720 को डिवाइड करेंगे 5 से. सो व्हाट वी हैव? 142. यस, सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलिए सॉल्व करिए. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 144? सो यू विल गेट 25. देखिए ये बहुत नोन नंबर है, 16 इंटू 9 करेंगे ना तो 144 मिलेगा. सो यू हैव n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 9. n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 9. अब मुझे ये सोचना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है. दोनों भी हो सकते हैं एंड दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है. ओके, मुझे क्या करना है, एंगल फाइंड करने है, है ना. ये क्या है, मेरा एंगल है, सम ऑफ एंगल. या फिर आप कोई वैल्यू रख के देखो तो a इक्वल टू 120, 120 वाला जो एंगल है वो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है. तो सपोज मैं a n n इक्वल टू 16 पुट करके देखूं, टेक n इक्वल टू 16, तो a 16 मुझे क्या मिलेगा, a प्लस a कितना है 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. अगर ये 180 से लेसर मिला तो चलेगा, लेकिन 180 से लेसर भी नहीं चलेगा, 120 है ना. चलिए देखते हैं. 15 इंटू 5 120 प्लस 75 गाइस 195 मिला, 195 मिला. इज इट ओके? मुझे क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल कांट बी ग्रेटर देन 180. इंटीरियर एंगल
कांट बी ग्रेटर देन 180। अंदर बनेगा ना पॉलीगॉन में एंगल क्या बनेंगे, आपके इनसाइड एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल मैक्सिमम 180 हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ओके, कांट बी ग्रेटर देन 180, कांट बी ग्रेटर देन 180। ओके, सो 9 इज माय परफेक्ट आंसर, n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, तो मतलब आपका 9 साइड्स होगी तो उसको क्या बोलेंगे, 8 को ऑक्टागन बोलते हैं, 9 को क्या बोलते हैं, 10 को डेकागन बोलते हैं ना, क्या बेटा, नैनोगॉन, ओके, नेक्सागॉन, हाँ यस नेक्सागॉन, नैनो मतलब तो स्मॉल होता है, सो यू कैन नॉट राइट नैनोगॉन, नेक्सागॉन यस इज द परफेक्ट वर्ड। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 9.2, वी कंप्लीट हियर। एग्जांपल नंबर 4, इन एन एपी इफ एम टर्म इज एन, Tm equal to n given है and Tn equal to m given है, guys opposite terms given है, find pth term, कल ही मैंने formula बताया था, d क्या होगा आपका, Tm minus Tn upon m minus n, तो यहाँ पे मैं n put करूँगी, यहाँ पे m put करूँगी, so they are opposite, so your d is minus 1, अब दोनों में से किसी भी एक में रख दो, a plus m minus 1 into d, a प्लस एम माइनस वन, यहाँ पे n गिवन है, d माइनस वन है आपका, सो a क्या मिलेगा, a प्लस माइनस एम प्लस वन, सो a मिल गया मुझे, ये दोनों ऑन नेक्स्ट साइड, n प्लस एम माइनस वन, a इज देयर, d इज देयर, सो आई कैन इजीली फाइंड tp, pth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस वन इंटू d, ए है मेरा एन प्लस एम माइनस वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी मतलब माइनस वन, सो एन प्लस एम माइनस वन माइनस पी प्लस वन, ये दोनों कट, सो पी टर्म इज एन प्लस एम माइनस पी, दैट्स इट, बस इतना ही करना था। ओके, नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, इफ If the sum of 5, if the sum of n terms, ये जो हमने स्टार्टिंग में सम किए थे ना जहाँ पे sn गिवन था, is equal to np plus 1 by 2 n into n minus 1 into q, that is given to us where p and q are constant, then find the common difference. Okay, क्या करेंगे, put n equal to 1, s1 p प्लस 1 बाई 2, ये 1 मैं रखूंगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म आपकी गई, सो योर फर्स्ट टर्म s1 बोल दो या फिर a1 बोल दो या फिर a बोल दो, दैट इज p, n इक्वल टू 2, s2 क्या होगा, 2p प्लस यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 1 इंटू q, मतलब ये दोनों कट, सो योर सेकेंड s2, s2 इज इक्वल टू 2p प्लस q, ये क्या है गाइज, a2 प्लस a1, एडिशन ऑफ टू टर्म्स, एडिशन ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो अगर मुझे d चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है a2, a2 कैसे मिलेगा, a2 प्लस a1 माइनस a1, दैट इज s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 मतलब क्या, s2 माइनस s1 मतलब क्या, 2p प्लस q माइनस p, सो दैट इज p प्लस q, दैट इज p प्लस q, तो अब मुझे सिर्फ d फाइंड करना है, सो d मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, p प्लस q एंड फर्स्ट टर्म इज p, सो डिफरेंस हो जाएगा आपका q, q इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए सिक्स्थ एग्जांपल हमने कर लिया था, सेवेंथ एग्जांपल क्या है, इन
द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख, ए इक्वल टू 3 लाख गिवन है ओके इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000. मतलब डी क्या है, इंक्रीमेंट है, सो डी पॉजिटिव आएगा, 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर्स. फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स. मतलब आपको क्या करना है, टोटल फर्स्ट ईयर में उसका इनकम 3 लाख है, फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद 10,000 इंक्रीज होगा ना. सो बेसिकली एन आपको 20 गिवन है और आपको टोटल इनकम फाइंड करनी है 20,000, एन इक्वल टू 20 लेके. सो एस 20 इक्वल टू 20 बाय 2, एन बाय 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1, मतलब 19 इंटू डी. देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर हमने रिड्यूस कर दिया, d दैट इज 10,000, बोलिए 20 बाई 2 दैट इज 10, ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 1,90,000. सो टोटल इनकम इज 7,90,000 एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स. सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ मल्टीप्लाई बाई 10 रह गया. सो आफ्टर एंड ऑफ 20 ईयर्स हिज टोटल इनकम इज 79 लाख ओनली, ओनली नहीं बोल सकते, 79 लाख ओके.